दोस्तों, हम इंसानों के मन में हमेशा ही एक सवाल खटकता रहता है कि आखिर हम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं, उसे कैसे पहचाने कि जो भी आवाज़ हमारे अंतर मन में उठ रही है वो हमारी अंतर आत्मा की ही है। वो हमारे मन से भी आ सकती है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और हम में से अधिकांशतर लोग अपने मन के जाल में ही फंसे हुए हैं और ये हमें अपने अनुसार, अपने भौतिक शारीरिक अनुसार हमें उस जाल में घुमाता रहता है, हमारे भीतर से आवाज़ लगाता रहता है, ऐसा करो, कुछ वैसा करो, अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। इसी तरह के डर हमारे मन में बैठ जाते हैं और हम बिना सोचे समझे ये जाने कि वो हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ है या फिर हमारे मन की आवाज़, हम वो फैसला ले लेते हैं और जब उस फैसले का परिणाम गलत निकलता है तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ता है, हमारे शरीर को भी भोगना पड़ता है, जिस कारणवश हमारा दिमाग और हमारा विवेक भी पूरी तरह से निष्फल हो जाता है और वो काम भी नहीं कर पाता। और उस वक्त हमारा ये जो मन है कि हम पर और भी ज़्यादा हावी हो जाता है, इसके द्वारा फैलाए गए डर हमारे मन में बैठ जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। लोभ, मोह, माया, इन सभी में ये हमें इस तरह से फंसा देता है मानो हम इसके कोई शिकार हों, जिस वजह से हम उन परिस्थितियों में एक सही निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं और फिर हमें अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता तो उसका मन उसे और भी ज़्यादा फंसाता जाता है, उसके मन में ढेरों सारे प्रश्न लगातार उठते रहते हैं और उसकी परेशानियाँ भी यूं ही लगातार बनी रहती हैं। मन की दो स्थितियाँ होती हैं, पहली जहाँ पर ढेरों सारे प्रश्न होते हैं तो दूसरी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें जवाब मिलते हैं। ज़्यादातर प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और हमें ये लगता है कि ये प्रश्न हमारी अंतर आत्मा की तरफ से आया है जिसका जवाब हम ढूंढने में लग जाते हैं। इस झूठ के कारण हम उस स्थिति तक कभी पहुँच ही नहीं पाते कि हमें उसका जवाब मिल सके। लेकिन जब हम मौन धारण कर लेते हैं तो हमारा मन उस दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर हमारे पास कोई प्रश्न नहीं होते, लेकिन उस अवस्था में हमारे पास उत्तर ही उत्तर होते हैं। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे मन की आवाज़ हमें अपने भीतर की आवाज़ से मिलने ही नहीं देती, उसे समझने ही नहीं देती, तो भला हम इसे कैसे सुनेंगे और इसे कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए आपको इस कहानी के अंत तक बने रहना होगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ सकेंगे। तो ये कहानी बहुत पहले की है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को रोज कोई न कोई उपदेश दिया करते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतर आत्मा की व्याख्या करते हुए एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाई। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी नगरी में एक बहुत ही महान संत रहा करते थे। उन संत के चेहरे पर एक अजीब सा प्रकाश हमेशा ही प्रज्वलित रहता था। वे संत हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। उनके मन में आनंद की एक लहर सी हमेशा बहती रहती थी। गांव के कई सारे लोग उन संत के पास अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे और वहां से अपनी समस्याओं का हल लेकर जाया करते थे। एक दिन एक सेठ उन साधु के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की, कहा कि हे महात्मा, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है,
मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और ये संपत्ति मेरे पुरखों से मुझे मिली है। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सुख सुविधाएं की वो सारी चीजें उपलब्ध हैं जो कोई आम आदमी चाहता है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी मेरा मन बड़ा ही अशांत रहता है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ। क्या आप मुझे इसका कोई हल बता सकते हैं? सेठ की इन बातों को सुनने के बाद भी उन संत ने सेठ को इसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो संत वहीं बैठे थे। उसके बाद अचानक से वो वहाँ से उठे और चुपचाप वहाँ से चल दिए। ये देखकर कि वो संत वहाँ से उठकर जा रहे हैं, वो सेठ थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन फिर उसने उन संत का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ वो संत जा रहे थे, ठीक पीछे पीछे वो सेठ भी उनके पीछे जा रहा था। वो संत अपनी कुटिया के एक कोने में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने आग जलाई और उस आग में उन्होंने एक एक करके वो लकड़ियाँ डालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो आग बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वह संत अचानक से फिर खड़े उठे और वहाँ से फिर चल दिए। ये देख उस सेठ को बहुत हैरानी हुई। वह सेठ तो अपना दुख लेकर के उन संत के पास आया था, लेकिन यह साधु तो अपने कामों में ही लगा है। उन्होंने सेठ की कोई बात का जवाब तक नहीं दिया और बस एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते जा रहे हैं। ये सब देखकर उस सेठ से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने उस संत से पूछ ही लिया कि हे गुरुवर, अगर मेरी समस्या का कोई समाधान आपके पास है तो कृपया करके मुझे उसका समाधान बताइए। इस पर वो साधु जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि अरे मूर्ख, मैं तुझे इतनी देर से रास्ता ही तो बता रहा था। उस साधु ने आगे कहा कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है। उस आग में अगर आप प्यार की आहुति देंगे तो वो आपको आनंद के अलावा और कुछ नहीं देगी। लेकिन अगर उसी आग में आप घृणा की आहुति देंगे तो वो जलती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपनी आग में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद्मत्सर जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो और इन लकड़ियों को लगातार उस आग में डालते जा रहे हो, जिस वजह से वो आग लगातार जलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अगर तुम अपने मन में अशांति के बीज बो रहे हो तो तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? सुख और दुख ये कहीं बाहर तुम्हें खोजने से नहीं मिलेगा। अपनी अंतर आत्मा को टटोलो, सच्चा सुख तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। उस सेठ को उस साधु की बातें समझ में आ गई। उस सेठ को एक सही रास्ता मिल गया जिससे उसका जीवन सफल हो गया। इस पर महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से कहा कि ये जो सुख दुख और परेशानियां, ये सब हमारे भीतर उठती हैं, हमारे मन में उठती हैं। इसलिए पहले अपने मन को साफ करो, उसे स्वच्छ रखो, उसे शांत करो। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे मन में विचारों में कमी आने लगेगी, तुम्हारे अंदर क्रोध में भी कमी आने लगेगी। और जब तुम इसे अच्छे से समझने लगोगे तो तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार भी नहीं उत्पन्न होंगे। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुन पाओगे। दोस्तों, समाज का विकास दुनिया के लिए आवश्यक है, लेकिन ये अधिकांशतः देखा गया है जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी होती है वह अपनी छोटी सोच और समझ के कारण कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है। इस कारण वो कभी भी अपनी उस उच्च सोच तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, जिस वजह से वह सुख दुख और परेशानियों के इस झमेले में पड़ा रहता है। और ये सुख दुख, कष्ट, तकलीफें
ये सब हमारे मन में ही तो उत्पन्न होती हैं। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए और इस जाल से निकलने की कोशिश कीजिए। इसे समझिए, इसे जानिए, तभी आप इस जाल से निकल सकेंगे। अपनी बेवजह की मन की बकबक को शांत कीजिए, ध्यान लगाइए, तभी आप इस जाल से मुक्त हो पाएंगे। तभी आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकेंगे। हर व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा होती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए पहले हमें मन की बकबक यानी कि बड़बड़ को शांत करना होगा। क्योंकि हमारी मन की बकबक ये इतनी ज़्यादा होती है, हम उसके आगे अपने भीतर की आवाज़ यानी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते, जिस कारण हमें हमारे मन की आवाज़ ही हमें हमारे अंतरात्मा की आवाज़ लगती है। और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए पहले आपको अपने मन की बकबक और इन बड़बड़ को बंद करना होगा। और ऐसा करने के लिए एकमात्र उपाय है आपके पास, और वो है ध्यान। ध्यान करने से आपके मन में प्रश्नों की जो लहर है ये शांत होने लगती है। मन में विचारों की जो बाढ़ उत्पन्न हुई है वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। और उस दौरान जो आप आवाज़ सुनते हैं वही आपके अंतर आत्मा की आवाज़ होती है। और इस आवाज़ का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफलता और शांति दोनों ही हासिल कर सकते हैं। तो अपने मन की बकबक और बड़बड़ को शांत करने के लिए आप ध्यान का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दिन में केवल एक समय ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ पर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करिए। ध्यान करते वक्त ये याद रखिए कि आपके आसपास कोई भी ऐसी वस्तु या फिर ऐसी चीज़ ना हो जो आपको परेशान कर रही हो। कोशिश करें कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर आप शांतिपूर्वक ध्यान कर सकें। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव भी देख पाएंगे। दोस्तों, आप सभी की इसके बारे में क्या राय है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।